मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस तरह से मुंब्रा कौसा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मुंब्रा कौसा के लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। एमएम वली स्थित ग्रेट स्क्वायर फेस टू में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। शायद मुंब्रा कौसा में ग्रेट स्क्वायर सोसाइटी में ये पहली सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। सोसाइटी वालों का कहना है कि ग्रेट स्क्वायर सोसाइटी में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो काम पर जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई बैंक कर्मचारी है। इसीलिए सोसाइटी के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि सोसाइटी में सैनिटाइजर मशीन लगाई जाए और सभी लोगों ने मिलकर ये सैनिटाइजर मशीन सोसाइटी में लगाई भी। पहली बात तो यह है कि सोसाइटी में बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, और अगर ग्रेस सोसाइटी के फेस टू के रहने वाले लोग अगर बाहर जाकर वापस आते हैं तो इस मशीन से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि इस सोसाइटी में बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है, और ग्रेस स्क्वायर फेस टू में रहने वाले लोग अगर बाहर जाकर वापस आते हैं तो इस मशीन से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से सैनिटाइजर हो जाए और इस भयानक बीमारी से बचा जा सके। और लगभग हर सोसाइटी वालों को चाहिए कि ग्रेस स्क्वायर फेस टू के सोसाइटी वालों ने जिस तरह से ये सोसाइटी में सैनिटाइजर मशीन लगाई है, इसी तरह से हर सोसाइटी वालों को सैनिटाइजर मशीन लगाना चाहिए ताकि वो इस भयानक कोरोना वायरस की बीमारी से बचे रहें। परवेश नाम है मेरा, सोसाइटी ग्रेस स्क्वायर फेस टू है। ये मुंब्रा में शायद ये पहली मशीन सैनिटाइजर की जो है लगाई गई है। जी, ये पहली मशीन लगाई गई है। ये हम लोग ने, हमारी कमेटी ने सब मिलके बात की है कि भाई हमारी जान के हिसाब से जो चल रहा है दुनिया में पूरा, वही हिसाब से हमने ये मशीन लगाई है। जैसे हमारे यहाँ पे वॉशमैन ज़रूरी हो गया है, लिफ्ट है, लाइट होती है, पानी होती है, तो ये हमने ख़रीद लिए कि हमारे लिए हमेशा फिक्स यहाँ रहेगी। और इसके अलावा टोटल जो है इस सोसाइटी में क्या बाहरी लोगों का आने का अलाउड है या नहीं? अभी तो फिलहाल बंद है। जो टाइम दिया है गवर्नमेंट ने सुबह 3 से 12 तक, जो जाती है पब्लिक जो लेने के लिए मार्केट, वो जो रिटर्न आती है तो उनकी सेफ्टी के लिए वो अपना सैनिटाइज करके अपने घर पे चले जाएगी। सैनिटाइजर तो मशीन है, पर क्या सोसाइटी के सभी लोगों ने मिलकर जो है इसे यहाँ पर लगाने का काम किया है? हाँ, हमारे फेस टू के जो सोसाइटी मेंबर्स हैं जितने भी, उन्होंने मिलके ये फैसला लिया है कि सैनिटाइजर मशीन लगाई जाए। और ये इसलिए लगाई गई है ना, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में कुछ लोग बैंक में काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ऐसे उनको जो अलाउड है बाहर जाना आना, तो वो जब बाहर जाके आते हैं तो उनको भी एक रिस्क रहता है ना, तो उनकी सेफ्टी के हिसाब से भी हमने लगाया है। और सुबह मॉर्निंग में जब लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भी क्या लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बाज़ार जाते हैं, कुछ दूध लेने जाते हैं, कुछ मेडिकल्स के लिए जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग ने ये रखा है ताकि जब वो बाहर जाके आएँ तो उनको अगर कुछ इन्फेक्ट हो या कुछ हो उनके कपड़ों पर या जिस्म पर, तो वो इस मशीन के थ्रू आए तो उसे ये मतलब सेफ्टी से हमारी सोसाइटी में आए और किसी दूसरों को या उनके घर में ये मतलब वबा नहीं पहुँचे, इसलिए हम लोग ने ये इंतज़ाम किया है इसका। मुंब्रा शहर में जो दिन ब दिन तादाद इसकी बढ़ती जा रही है, तो हम दूसरे सोसाइटीज़ के लिए एक एग्ज़ाम्पल तैयार कर रहे हैं ताकि वो भी ये मशीन लगाएं अपनी सोसाइटी में और प्रिकॉशन लें। इतनी बड़ी नहीं हो सकती तो छोटी लगाएं। और हम इस स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी मशीनों के ऊपर ना वो सब्सिडीज़ वगैरह का कुछ इंतज़ाम दें और सोसाइटी को प्रोवाइड करें ताकि वो लोग आसानी से ये मशीन लेके अपनी सोसाइटी में इंस्टॉल कर सकें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।